बहुत सारी बातें हैं, एक बार चाय पिला, तमाम बातों पर टीका टिप्पणी। जवाब बहुत बढ़िया आया है, बढ़िया। फिर टीका टिकली हो गई। बता रहे कि रावण गीत चल रहा था, केवट और भगवान राम का प्रसंग चल रहा था। हाँ। केवट का जवाब रावण से दिया जा रहा है। ओहो, हम सोच रहे हैं अगर रावण ना होते तो कीर्तन भी ना होता। केवट का जवाब रावण से दिया जा रहा है और लाइनें भी देखी कितनी बढ़िया बढ़िया जोड़ी हैं। रावण कह रहा है तुम लड़ने वाले नए नए हो। ओ, राम राम तुम लड़ने वाले नए नए हो। हाँ। पर ये लड़ैया नया नहीं है। ओहो, कितना पुराना है। काहे राम और रावण का युद्ध और भी दो चार बार हो चुका था का? देखे हो तुम? होगा, तुम इनका हल्के में सतयुग से आई। तो कौन डाई लगा ले तो उम्र मालूम नहीं पड़ती। जो मर्जी आए सब बोले जा रहे हैं। खामो खाम। फिर कह रहे कि मैं लड़ैया नया नहीं हूँ। क्यों? क्यों? मैं तुमसे सतयुग से ताल ठोकता चला आ रहा हूँ। ओहो, ऐसे बालक है ये। सतयुग से ताल ठोकता चला आ रहा हूँ। अच्छा, सतयुग में रावण कौन था बताओ? वो जय विजय, उनसे काहे ताल ठोक रहे हैं? वो तो द्वारपाल थी उनकी। मतलब कब का बोल जाए भगवान भगवाने मालिक है। इसीलिए हमने कहा था कि अमूल दूध डेयरी का सारा मक्खन खत्म हो गया। इतना मक्खन लगाते हैं कभी कभी। ओहो, नहीं, अगर इसका कोई इलाज हो तुम्हारे पास तो कह रहे थे कि अब बताओ मक्खने खत्म हो गया कहाँ से लाए हम। हाँ। बगल में पराग डेरी तो है। ये अमूलम घूम रहे हैं। ठीक है, बढ़िया जवाब दिया है आपने, बहुत सुंदर। बड़ा सुंदर टुकड़ा आया है। कौन सा? कौन सा? के चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे तो बढ़िया बात आई है। सोने का बदन सोने का हिरन बन कर बन में तुम्हें है जाना। सोने के घड़े से जो निकली सोने के भवन में है लाना। रावण ने अगर ये आदेश दे दिया है। हाँ। देखो खुद का गाना है कितना गलत सलत गा रहे हैं। कैसे? ये हाथ ना हिलाओ। हाँ। ये गीदड़ भपकी बहुत देखी है। हाँ।
ऐसे हाथ हिला के बाय बाय रोज करते। अरे देखी बहन बन के आओगे हम तुमको 500 रुपए दे देंगे। अभी दिए हो 500 रुपए बहन दुश्मन है ठीक हो। जिस दिन 500 रुपए छूट जाएंगे आपके हाथ से उस दिन कहो आपकी पल्स चलने लगे ज्यादा। जाना पड़ेगा हम जानते हैं आपको। अब एक धातु आप लाए हैं देखे मैं क्या ला रही हूँ। क्या रावण आदेश दे रहा है मारीच को सुनाओ। अब देखो आपकी लाइनें हैं आपके गाने की। सोने का बदन सोने का हिरन बनकर बन में तुम्हें जाना है बनकर बन में तुम्हें है जाना और सोने के घड़े से जो निकली सोने के भवन में है लाना। अच्छा मारीच ही लाया था सीता जी को। देख लो क्या ये सब उल्टा सीधा गलत शरद गा रहे हो। बस बस यही कारण है कीर्तन नहीं। अब बनकर सोने के भवन घड़े से जो निकली सोने के भवन में लाना तो फिर उनको अशोक वाटिका में कह रखा लंका में कह नहीं रखा। बहुत सी ऐसी बातें हैं। अब तो इनकी उम्र चली गई ना मैं सीख ही लेती सब। लेकिन पहले नतमस्तक कहना सीख लेना। सुनिएगा प्रयास हमारी ओर से सुनिए। रावण के आदेश पर रावण का कहना मारीच को मानना पड़ा क्योंकि देख रहा है कि इधर भी मौत है उधर भी मौत है। परमात्मा के हाथों ही मर जाऊं यही सही है तो किया क्या। माया का हिरन लाइन देखना भाई साहब। माया का हिरन और माया का हरण माया का हिरन और माया का हरण माया का हिरन माया का हरण मायापति को है भटकाना मायापति को भटकाना है भैया। मायापति की जो माया है मायापति की केवल माया है। केवल माया समझो और जो सोने का हिरन है वो भी केवल माया का ही है क्योंकि संसार में कभी सोने चांदी के हिरन होते नहीं है। अगर मिलेंगे तो इको पार्क में मिलेंगे बस। एक चीज और जोड़े दे रही हूँ भैया माया और आपने धातु की बात कर दी है तो एक चीज और ला रही हूँ सुनो। क्या का भवन मारी जा तो रहा है उनको भटकाने के लिए जा तो रहा है लेकिन विचार कर रहा है कि माटी का भवन और माटी का ये तन तो माटी का असर ना दिखलाना के माटी के बदन पर अरे माटी के बदन पर क्या है घमंड माटी में एक दिल मिल जाना। इस माटी के तन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए समझो क्योंकि ये एक दिन माटी में ही मिल जाना है तो कहना माटी के बदल पर घमंड क्या माटी में
दिखलाना माटी का भवन बोलिए राजा रामचंद्र की जय। धन्यवाद है। और गीत का जवाब अगली बार 11 तारीख। बहुत जल्दी मैं केवल एक लाइन में उसको भी निपटाए दे रही हूँ। खाली धुन गा तो बस। हर कदम मेरे साथ आओगे धुनाई है। कह रहे हैं कि हम बहुत दिनों से सोच रहे थे ये गाना गाएं, लेकिन कलाकार नहीं मिल रहा था कोई ऐसा। इसे कलाकार कहे जवाब मिलो। हाँ, सारे ब्रह्मांड समीप चलाओ। ये बड़े भाई हैं और फिर भी भाई होने की दुहाई दे रहे हैं। रुपया दे 500। बढ़िया बात आई है, बढ़िया गाना अच्छा आया है, लेकिन कभी कभी कुछ लाइनें आप सब उल्टा सीधा बोल देते हो। उम्र का तकाजा बेटा। तुम तो नारी हो ना खिलखिला के हंसो, दांतों की पंक्ति को मतलब दांत नहीं दिखने चाहिए। और कह रहे थे कि अपने हाथों से होठों को दबा के हंसो। अच्छा, यही से है ये कौन हंसना? हाँ, मतलब ऐसे कर लो फिर हंसो। ज्यादा तेल न दबा ले लो, हंस के दिखाओ। ठीक है, सब बातों की एक बात, अगर हंसना है तो मास्क लगा के हंसो। हालांकि उसमें लिखा और कुछ होगा, लेकिन जल्दबाजी में पड़ गए बेचारे। कह रही है क्या? द्रौपदी ने देखा कि पांचों पति मेरे बैठे हुए हैं, लेकिन रोकने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा है। द्रौपदी का हृदय द्रवित हो गया और वो देख करके द्रौपदी कह रही है, बोली
मर्द हो तुम ना सर झुका के जियो। मर्द हो तुम ना सर झुका के जियो, अगर जीना है तो सर उठा के जियो। धन्यवाद। गाना ऐसा लिखाओ जिसमें कुछ हो, मानो या ना मानो उमेश भाई अब तुम्हारे अंदर आ गए हैं। अगर जीना तो सर उठा के जियो, मर्द हो तुम ना सर झुका के जियो। एक बात कह दी द्रौपदी ने, बोली नारी की नर ही हिफाजत करता, नारी की हमेशा नर ही हिफाजत करता है। लेकिन तुम कैसे नर हो जो पांचों के पांचों सर झुकाए बैठे हुए हो? पांचों के पांचों ये कहां गए? अरे धिक्कार है, धिक्कार है। नारी की नर ही हिफाजत करता, सबसे ज्यादा वही इज्जत करता, क्योंकि पत्नी ही उसका सम्मान होती है, उसकी इज्जत होती है। लेकिन लेकिन अपना जलवा भी कुछ दिखा के जियो। बहुत बढ़िया, ऐसे जीने से क्या फायदा। अपना जलवा भी कुछ दिखा के जियो, अगर जीना तो सर उठा के जियो। मर्द हो तुम ना सर झुका के जियो। धन्यवाद है। ये बहुत जल्दी में जैसा भी आदेश मिला था। आइए चलते चलाते अंतिम आवृत्ति है और कार्यक्रम मेरी तरफ से शुरू हुआ और पहले विराम हम ही लोगों को करना है। सही बात, फिर पूर्ण विराम वहां से होगा। हम लोग दूर से आए हैं। एक गीत प्रातः काल बेला में आज के इस दौर को समाज को देखते हुए वाह अपनी ओर से प्रेषित कर रही हूं। बढ़िया। समझो पिंटू भाई, वो ना समझना पैसे थोड़ी पैसा खत्म। गा रहे फिल्मी दुनिया वाले, क्या गा रहे बेटे? अरे कभी दोस्ती तो कभी इंतजार, Yeah!
क्या दिल में करार, मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार। बड़े भाई है मेरे, और अपनी बात को पलटना तो कोई आपसे सीखे। सो तो है बात से मुकरना। बड़े जोश में कह तो गए कि जनता जिसकी चाहे सरकार बना देती है। बाद में देखा कि मामला गड़बड़ है। तभी तो गठबंधन से भर पाइए बेटा। तुरंत पलटी मारी, कहा देखो हमारे अखिलेश जी को। धन्य हो विधाता। कोई बात नहीं, अपना पर्सनल मामला। कहा है क्या? कहने को बातें बहुत होती रही, हालांकि मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसी पार्टी से संबंधित बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारी तो खुद ही एक पार्टी है, राखी आजाद अन्न पार्टी, जिसका चुनाव निशान कहाँ है। लेकिन एक बात कह रही हूँ कि बड़े बड़े वादे किए गए, बड़ी बड़ी बातें की गई, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ये होगा वो होगा, तमाम बातें। लेकिन आज के दौर में एक चीज जिससे लगभग हर व्यक्ति परेशान है, है क्या? क्या है? इंटू भाई सुनो तुम। मार बुरे अरे मार बुरी मार, ये महंगाई बढ़ रही। मार बुरी मार, ये महंगाई बढ़ रही। कैसे बढ़ रही? कैसे? रोज एक एक सीढ़ी रोज ऊपर चढ़ रही ये महंगाई। मार बुरी मार, ये महंगाई बढ़ रही, एक एक सीढ़ी रोज ऊपर चढ़ रही। आज के दौर में हर व्यक्ति सोच रहा है, अरे नौकरी ना चाकरी ना दम निकल रही। दादा के नौकरी ना चाकरी ना दम निकल रही, जहां देखो वहां अब मशीन चल रही। जहां 400 मजदूर काम करते थे, वहां केवल एक मशीन काम कर रही है। सोचो क्या होगा, क्या होगा? सोचो। नौकरी ना चाकरी ना दम निकल रही, जहां देखो वहां अब मशीन चल रही। अब अपना ही पेट ना पले, अब अपना ही पेट ना पले, भले लोग सोचे कि कैसे घर चले। भाई साहब, भाई साहब, अरे भले लोग सोचे कि कैसे घर चले। क्यों आज के दौर में देखा जा रहा है, तनखा मिले उतनी आज जितना तनखाए, क्या बात? तनखा मिले उतनी आज जितना तनखाए, इस महंगाई डायन ने क्या दिल दिखाए। और महंगाई कैसी भाई साहब? कैसी? 20 का है पानी और 10 की है चाय, क्या बात? 20 का है पानी और 10 की है चाय, इस महंगाई डायन ने क्या दिल दिखाए। तनखा मिले उतनी आज जितना तनखाए, महंगाई डायन ने क्या दिल दिखाए। जा रही है क्या? नमक में भी चमक, पहले के लोग ढेले वाला नमक खाकर भी स्वस्थ रहा करते थे, लेकिन आजकल
आयोडीन का नमक। बुद्धि भी का नमक में भी चमक भाव भाजी के बढ़े, नमक में भी चमक भाव भाजी के बढ़े, मिल रहे शोरूम में अब माटी के घड़े। पहले जो घड़ा 40 रुपए का आता था, आज उसमें एक टोटी लगा दी, वो 100 रुपए का हो गया। महंगाई केवल टोटी का कमाल है। टोटी तो मिल रहे शोरूम में अब माटी के घड़े, और अब तो कद्दू दद्दू, अब तो कद्दू दद्दू संग कटहल के खड़े। पहले कद्दू को कोई पूछता नहीं था, लेकिन आज जिस भाव में कटहल है उसी भाव में कद्दू है। अब तो कद्दू महंगा है, मंगल चल। अब तो कद्दू दद्दू संग कटहल के खड़े, तो कौन जाने किसका भाव ऊपर कब चढ़े। देखा जा रहा है क्या? क्यों गिर गया आदमी का मोल इस दौर में, क्यों गिर गया आदमी का मोल। अरे दिखती नहीं बोल की ये पोल। और एक बात और दादा, क्या वकीलों से महंगी हुई डॉक्टर की राय। सिर्फ पर्चे बनवाने के 800 रुपए लगते हैं। हड्डी विशेषज्ञ, दवा दारू दूर की बात। वकीलों से महंगी हुई डॉक्टर की राय, इस महंगाई डायन ने क्या जोड़ रही हूं। गाय खड़ी भूखी अब बनी है अनाथ, गाय खड़ी भूखी अब बनी है अनाथ, कुत्ते घूमे कार में अब मालिक के साथ। एसी कार में घूम रहे हैं। हाँ, और कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं, कई खाली पेट भैया मांग रहे रोटी दाल, कई खाली हाथ। कुछ लोग मांग मांग के खा रहे हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं, मांग रहे रोटी दाल, कई खाली हाथ। और कुछ लोग खाली पेट सोए, कई दुखी दीनानाथ। क्योंकि आज के दौर में बिकने लगा जग में ईमान, पैसा दे मान और पैसा ले जान। कैसे कैसे घर में भैंस बंधी, घर के बाहर है गाय। जिसको माता कहा जाता है वो गली गली में ठोकरे खाती घूम रही है। घर में भैंस बंधी, घर के बाहर है गाय, महंगाई डायन ने क्या रही हूं। सुनना भैया, बेचारे जो लोग भूखे फुटपाथ पर सो जाते हैं, वो अपने माता पिता से कह रहे हैं, कुछ भी कर्जा 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 कर ला, अरे कुछ भी कर्जा 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 कर ला, खिलौने ना दे सका भर पेट तो खिला।
कुछ भी कर जा कर जा कर जा कर ला, खिलौने ना दे सका भर पेट तो खिला। इसीलिए कहना है, अरे बिगड़ा महंगे दौर में द्विवेदी सिलसिला, तो आस में ही ढह गया अरमानों का किला। तो दर्द है बड़े होते ना कम, किससे कहो तुम और किससे कहे हम। क्या क्या समस्या गरीबी राखी करे क्या उपाय, समस्या गरीबी राखी करे क्या उपाय, महंगाई डायन निकाले दरबार की। धन्यवाद है हमारे मस्तेमो कमेटी के समस्त पदाधिकारी गणों के माध्यम से। पुनः ये बहुमूल्य 500 मुद्राओं का स्नेह प्राप्त हो रहा है। हमारे दादा श्री मायाराम यादव जी, सम्मानी श्री अमर सिंह यादव जी, श्री अयोध्या प्रसाद जी, सम्मानी श्री शिववरण यादव जी, भैया श्री अजय यादव जी, आलोक यादव जी, श्री राम कैलाश भैया जी, आप सभी महान भाव के द्वारा ये 500 मुद्राएं प्रदत्त की जा रही हैं। समस्त कमेटी के पदाधिकारियों को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ और बारंबार आप सभी के सुखी जीवन की कामना श्री हनुमान जी महाराज से कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है।